क्या आप किसी के दिल की बात जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो उसके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, क्या वो तकलीफ़ उसको भी हो रही है? आपका दिल दुख रहा है, इन दूरियों ने आपको बहुत बेचैन कर रखा है, तो क्या ये बेचैनी उसके दिल में भी है? जानना चाहते हो उनकी करंट फीलिंग्स, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरोट 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, ध्यान आपको ये रखना है पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। और अगर आप लोग अपने लिए एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज़ को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप ये चार्ज क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके नाम से चार्ज होकर ये क्रिस्टल्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, और अगर आप लोग अपने किसी नियर एंड डियर के लिए भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ओके, चलिए शफलिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी इसको कैच कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, दिमाग को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है। ओके, अपने पर्सन का नाम लीजिए। ओके, सो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इनको लेकर के। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो देखो, फर्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। कार्ड स्प्रेड लेते हैं फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज को रीड करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आई है। एट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। टेन ऑफ कप्स, ओके, हैंगमैन का कार्ड आ गया है, गुड। सो चलिए पहले ये रीड करते हैं फिर और कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके थॉट्स पहले ज़रूर कुछ डाउटफुल थे, पहले कुछ कन्फ्यूजन्स थी, या पहले कुछ उनके दिमाग में आपको लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या मैं कह सकती हूँ कि आपके बारे में अगर उनको कुछ पता चला होगा तो उस चीज़ को लेकर के इनके थॉट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, राइट। इवन चलो अगर आपके बारे में नहीं भी था, लेकिन इनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उस चीज़ को लेकर के भी क्लियर थॉट्स नहीं थे। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आसपास में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, ठीक है, और कुछ डैमेज ज़रूर हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बिकॉज़ आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी थॉट्स में दिखाई दे रहे हैं और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आपका और उनका बॉन्ड था ना, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो गया है, रुक गया है, और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है या बोल दिया है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो अब ये थॉट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट, और उनके थॉट्स में जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। अभी तो इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और देखिए आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आए हैं ना, तब से आपकी जो जर्नी है वो, या जो मैं ये बोलूँ कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपके पार्टनर हैं वो अभी किसी न किसी प्रॉब्लम से या किसी कॉन्फ्लिक्ट से ज़रूर गुज़र रहे हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा उदासी है और आपका भी मन कहीं ना कहीं तन्हाइयों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप दोनों के बीच में जो ये डिफरेंसेस है ना, उसको लेकर के जो आपका
रिलेशनशिप है वो डाउन होता चला जा रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, देखो पास्ट में आपके पार्टनर ने ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, दुख झेले हैं, ओके, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया है या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ओके, सो इनकी लाइफ में अकेलापन अभी ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं। आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम रुक गया है, कहीं ना कहीं समय रुक गया है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके थॉट्स में प्रेयर्स बहुत ज़्यादा ऐड हो गई हैं, आपको लेकर के दिन रात प्रेयर्स करने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके बिना लाइफ जो है ना वो एक सेक्रीफाइस की तरह है, वो और सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी। वेटिंग ज़रूर है, वेटिंग पीरियड ज़रूर चल रहा है। इनका मन जो है ना वो अभी कहीं लग नहीं रहा है, दिल में काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है ना, बहुत समंदर उठा हुआ है, अकेलापन तन्हाइयों ने बहुत ज़्यादा घेर रखा है, बहुत हलचल हो रही है इनके दिल में अभी। आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो ये रियलाइज़ हो रहा है इनको, आप दोनों चुप हो, राइट, और आप दोनों ने ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपके जो पर्सन सोचते हैं उनके थॉट्स में जो होता है वो बाहर दिखा नहीं पाते हैं, वो आपको बता नहीं पाते हैं, अपने दिल की बात जता नहीं पाते, ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। बट इनको ये पता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से इनकी लाइफ में फुल एनर्जी आ गई है, बहुत बहुत फेजेस इन्होंने अपनी ज़िंदगी के देखे हैं, और अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका साथ इनको मिले, कब आपका प्यार इनको मिलेगा। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट पार्टनर थे लेकिन आप मिले इनको गलत समय पर हो। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कुछ इस तरीके की सिचुएशंस इनकी लाइफ में हैं जिसके चलते ये अभी आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत फेजेस देखे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। कई बार इनको एहसास होता है कि शायद कुछ ऐसा कर्म है जो इनको भुगतना पड़ रहा है, जो आप इनको नहीं मिल पा रहे हो, या आप इनके ज़िंदगी में दूर हो, चाहकर भी आपको नहीं अपना पा रहे हैं, चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और गिफ्टेड हो, आपके अलावा कोई और इनके थॉट्स में आ नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपसे आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, बट कर नहीं पा रहे हैं। आपकी यादों ने इतना इनको घेर रखा है ना, आपके साथ जब ये होते हैं तो इतने इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स उनकी लाइफ के होते हैं, खुश होते हैं वो जब आपके साथ होते हैं, तो लाइफ को एंजॉय करते हैं वो, एक रंग सा भर जाता है इनकी इस बेरंग सी दुनिया में। तो इनको कई बार ऐसा एहसास होता है कि अकेले हैं, राइट, लाइफ बिल्कुल कलर नहीं है लाइफ में, लेकिन जब भी आप होते हो इनके साथ ना, खुशियों के रंग इनकी ज़िंदगी में भर जाते हैं, एक मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ जाती है। तो आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे दूरियों ने इनको डेफिनेटली बहुत आपके बारे में एक सोच पॉजिटिव कर दी है ना। काफ़ी ज़्यादा डाउन फेज से अभी ये गुजर रहे हैं, इनका दिल जान चुका है कि आपसे इतना अटैचमेंट इनको हो गया है कि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओ माई गॉड, देखो एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। देखो भले ही वॉक अवे कर रहे हैं, दूर हैं, नहीं बात हो रही है, लेकिन दिल में इतना ज़्यादा प्यार है कि आपका आपकी यादों को अपने सीने से लगा के बैठे हैं। शुरुआत करना चाहते हैं, 111 ज़रूर क्लेम कीजिएगा, एक नई शुरुआत आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। वॉक अवे करने का, दूर जाने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ड्रामा दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल में भरपूर प्यार आपके लिए है, बहुत डिवोशन है आपके लिए, आपकी इज्जत करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, चाह कर भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत भरा हुआ है दिल के अंदर, लेकिन ये एहसास आपको बता नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो इनको ये एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है, आप बहुत ही केयरिंग इंसान हो। आपको, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको एनिमल्स, पेट्स,
बर्ड्स सब रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर लवर हो आप, ठीक है, नेचर में रहना, नेचर में के साथ आप एंजॉय करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ आपके साथ रह करके सीखे हैं, उन्होंने आपको देखा है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ प्यार बांटते हो, आप किस तरीके से लोगों की केयर करते हो, ठीक है। सो आपका ये केयरिंग नेचर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब इनके रिमाइंडर में आ रही हैं, ठीक है, इनके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं और वो सारी यादें उनको और आपकी याद दिला रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो एस ऑफ कप्स भी आ गया है, टू ऑफ कप्स भी आ गया है, तो भाई अब उनको एहसास हो चुका है कि आप दोनों ही सोलमेट पार्टनर्स हो, भले ही दूर हो, नहीं मिल पा रहे हो, नहीं एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह पा रहे हो, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि आप ही उनके सोलमेट पार्टनर हो, आप दोनों का सोल मिला हुआ है, बिना कुछ बोले भी आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हो। उनको एहसास है कि हो सकता है इस जन्म में आप लोगों का मिलना मुश्किल हो, लेकिन वो एफर्ट ज़रूर डालना चाहते हैं, आप दोनों का मिलन ज़रूर वो चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो देखिए इंतज़ार है, एक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आप भी रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में, रीयूनियन लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार है सही समय का, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको कहना कि आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है, आप ही उनकी खुशियों का एक रीज़न हो, आप ही उनकी चेहरे की स्माइल का एक रीज़न हो। सो बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे अपने दिल की बात ज़रूर से ज़रूर बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, सो डेफिनेटली देखो अभी बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, इसलिए स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं भगवान की पूजा, ईश्वर की पूजा में भी लगे हुए हैं, दिन रात आपको मांगते हैं, दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और दिल जिस तरीके से इनका दुख रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुंचे कि ये बहुत तकलीफ़ में है, वो नहीं चाहते हैं कि आप भी तकलीफ़ में आ जाओ, आपको पता चले कि ये कितना रो रहे हैं, कितना आपके बगैर परेशान हो रहे हैं, राइट। सो आपके बिना रह पाना डेफिनेटली मुश्किल हो गया है, और इस दिल का जो दर्द है, इसकी जो तकलीफ़ है, सिर्फ ये अंदर ही अंदर झेल रहे हैं, ठीक है, अकेलेपन में झेलते रहते हैं, ना ही किसी से डिस्कस करते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, सोचते हैं आपसे बात करने का, लेकिन उनको पता है कि अगर ये सारी बातें आपको बताएंगे तो आपको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी इनको हो रही है, राइट। सो सही समय का इंतज़ार डेफिनेटली आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे ही ये बुरा वक्त निकलेगा तो आप दोनों की लाइफ में उजाला और खुशियाँ ज़रूर लौट करके आएंगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, रियूनियन क्लेम करना नहीं भूलना है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई लव You, please believe me, right? So पहला ही कार्ड यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा आ गया है, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप विश्वास करो उन पर कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, right? See, I don't want anyone but you, right? वो किसी और को नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। It's not you I run from, it's love. आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि प्यार से दूर भाग रहे हैं। डर लगता है उनको इस प्यार से, डर लगता है कि कहीं आपसे इतना अटैचमेंट ना हो जाए कि आपसे दूर रह पाना मुश्किल हो जाए। यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग, सो हर सुबह आप उनके चेहरे पर एक स्माइल लेके आते हो, आपकी यादों को देखते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके स्टेटस को चेक करते हैं और एक स्माइल करते हैं सुबह। सो एक आप उनका दिन पॉजिटिव बनाते हो, और आपकी यादों से ही, आपकी बातों से ही उनका दिन शुरू हो रहा है। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट, बट दैट स्केयर्स मी। सो आप बहुत ही जेन्युइन इंसान हो जिससे वो मिले हैं, बट उनको कई बार डर लगता है कि आपका दिल उन्होंने बहुत बुरी तरीके से दुखा दिया है, अब आप उनसे दूर तो नहीं चले जाओगे, क्या आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे, क्या आप उनके साथ हो या नहीं हो, बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में चलते रहते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, I miss you, can't stop thinking about you. So आपके बिना सोच, आपके लिए सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा गहरी हैं आप लोगों के लिए। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की फीलिंग्स आपके पार्टनर की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है 111 टाइप कीजिए, और Instagram, YouTube एंड Facebook, किसी भी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, और वीडियोज़ को और रीडिंग्स को, ओके okay? और ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है
और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाकर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।